राम राम कोड़े से। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का तीसरा सवाल, ठीक है। ये जो सवाल है वो क्वेश्चन ऐसे लॉजिकली तो वो तो टफ नहीं है, पर हाँ इम्प्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा सा टफ लगा मुझे, और बस उसी के लिए मुझे लगता है कि ये सी क्वेश्चन है, अदरवाइज इट वॉज सिंपली अ बी क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक केक दिया रहेगा और एक आदमी है उस केक को डिवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे कि एक केक है, तो पहले तो एक पूरा केक है, उसको वो काटा, वो दो हाफ में डिवाइड किया, फिर उन दोनों हाफ में से किसी एक हाफ को सिलेक्ट करके और फर्दर डिवाइड कर सकता है, और फर्दर ये डिविजन करते जा सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको वो पूरा केक नहीं देंगे, आपको वो डिवाइडेड केक देंगे। आपको बताना है कि क्या इन सभी डिवीजन को जोड़ करके एक कंप्लीट जो सर्कुलर केक होता है, क्या उस तरीके का केक बन सकता है क्या, ठीक है। अगर बन सकता है देन यू हैव टू रिटर्न यस, अगर नहीं बन सकता है देन यू हैव टू रिटर्न नो। बस इतना सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं अलग अलग क्या केस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक चीज देखने वाला है, जो कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि केक का जो भी मास है वो डिवीजन से कंजर्व रहेगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ केक। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा केक है, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया, तो ये फर्दर क्या हो गया, 10 और 10 में ब्रेक करेगा, ठीक है। अब इस 10 को मान लो मैंने पकड़ के और डिवाइड किया, तो ये हो गया फर्दर 5 और 5। अब इस 5 को फर्दर मैंने और डिवाइड किया, तो ये हो गया 3 और 2। हाँ, इस तरीके से डिवाइड होगा। अगर कोई ऑड वैल्यू है, ठीक है, तो एक इसका फ्लोर वैल्यू आएगा और एक उसका फ्लोर वैल्यू आएगा, एक दूसरे एक सीलिंग वैल्यू आएगा, मतलब एक मतलब 5/2 एक ये वैल्यू आएगा और एक वैल्यू आएगा 5/2 5 + 1/2, ठीक है, एक ये वैल्यू आएगा। तो अगर ऑड नंबर है तो ये अगेन आपका दो सेपरेट नंबर आ जाएगा, एक ये आ जाएगा 2, एक ये आ जाएगा 3। अगर इवन नंबर है, जैसे कि 6/2 था और 7/2, तो दोनों ही केस में आपका 3-3 वैल्यू रिटर्न होगा। तो ये तरीका होता है फ्लोर और सीलिंग निकालने का, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, और नहीं भी तो ये सिंपल ही चीज है, यहाँ पर से समझ में आया होगा। और मान लेते हैं इसको फर्दर अपन डिवाइड करते हैं, इसको 1-1 में डिवाइड कर देते हैं, इसको अपन 2-1 में डिवाइड कर देते हैं। तो इधर से आप देख सकते हैं कि हमने इस केक को कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, कितना ज्यादा कट कर दिया है। पर आफ्टर मतलब एडिंग अप ऑल द रिमेनिंग पीसेस, आपका ये जो एक्चुअल वेट था ना केक का, वही आपको मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर इसका एक्चुअल वेट था कितना, 20। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका वेट है 5 + 3 + 2, विच इज अगेन 5 ओनली, 3 + 2 5 ओनली, एंड 5 + 5 10 ओनली, एंड 10 + 10 20, ठीक है। तो आपने देखा कभी हमने ऑड को डिवाइड किया, कभी हमने इवेंट को डिवाइड किया, पर इवेंचुअली जो भी एक्चुअल वेट था केक का वो सम अप करने से सभी पीसेस को मिलने चाहिए हम लोग को, ये वी आर अश्योर्ड अबाउट इट, ठीक है। अब अलग अलग केसेस लेते हैं और उसको जब अपन ड्राई रन करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। जैसे कि एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर तो एक ही केक है, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया, तो हाँ ये तो पॉसिबल है क्योंकि एक ही पीस ही है, तो ये कम्प्लीटली एक ही केक है। और इस एग्जाम्पल पे चलते हैं, इस केस में हमारे पास कितने केक पीसेस है, 3 केक पीसेस है। एक का लेंथ है, एक का साइज है 2, एक का वेट है 2, अगले का वेट है 3, अगले का वेट है 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक्चुअल वेट निकाल लेते हैं। एक्चुअल वेट केक का क्या होना चाहिए, 2 + 3 + 1 6, ठीक है। तो 6 वाले केक को अपन डिवाइड करना चालू करते हैं, तो 6 वाले को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या क्या पीस मिलेगा, एक मिलेगा 3 kg का और वॉट एवर यूनिट, और अगला भी 3 यूनिट का मिलेगा। फिर एक 3 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 3 तो है, ठीक है, तो एक 3 हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो डिवाइड हुआ है ना वो 3 वही वाला पीस है, ठीक है। अब फर्दर इसमें एक पीस है जिसका वेट है 2, एक पीस है जिसका वेट है 1, और आपके पास यहाँ पर एक पीस है जिसका वेट है 3। अगेन आप देख सकते हैं कि इसका वेट तो उन दोनों से ज्यादा है, तो इसको फर्दर डिवीजन का जरूरत है, इसको फर्दर डिवाइड करते हैं हम लोग। इसको फर्दर जब डिवाइड करेंगे आप, तो इसका एक वेट निकलेगा 1, एक वेट निकलेगा इसका 2, ठीक है, सीलिंग और फ्लोर अगेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको डिवाइड करके हमें 2 पीस मिला है 2 और 1, और एरे में जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो भी है 2 और 1। तो इसका मतलब कि इन सभी को डिवाइड करके, इन सभी को मतलब 1, 2, 3 वाले जो एरे में जो एलिमेंट है 1, 2 और 3, इन सबको जोड़ करके एक कंप्लीट केक हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। तो ये केस हो गया यस वाला। एक नो वाला भी केस देख लेते हैं। जैसे इस केस पे अगर आप देखें तो
2 + 3 + 3 6 8, ठीक है 8 है, तो इसको फर्दर अपन डिवाइड करते हैं, ये हो गया 4 और 4 में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब फर्दर आप इस 4 को डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 एंड 2, ठीक है। तो एक 2 वाला समझ लेते हैं कि ये इसको नलीफाई कर दिया, ये वाला जो 2 डिवाइड हो गया है ये वाला 2 था, ठीक है। और ये वाला जो 3 एलिमेंट है, और 2 3 अपन को खोज रहे हैं, और यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड पीस है 2, एक डिस्ट्रीब्यूटेड पीस है 4, ठीक है। तो अब लोग क्या करते हैं, अगेन डिवाइड करते हैं, तो इस 2 वाले को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 एंड 1, और यहाँ पर आपके पास 1 तो कोई है नहीं, यहाँ पर अगेन आप आगे बढ़ोगे तो ये 4 को आप डिवाइड करोगे तो ये 2 2 हो जाएगा, और फर्दर आप डिवाइड करते जाओगे तो ये सब टूट करके 1 हो जाएंगे, और अगेन आपके पास 1 तो एक भी जरूरत है नहीं, और आपके पास 3 3 का जरूरत था और 3 3 तो आपको एक भी मिला नहीं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से 2 3 3 से एक एक्चुअल केक आप नहीं बना सकते। और एक चीज आपको ब्रेक करने के लिए एक ये भी मतलब एक हिंट हो सकता है कि जब आपका नंबर ऑफ केक जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपका नंबर ऑफ केक्स अगर ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ केक्स एक्चुअल जितना आपके पास है, तो कभी भी आप उससे एक्चुअल केक तो नहीं बना सकते। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार थोड़ा सा पीछे चलता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि जब हम लोग इस स्टेज पे थे, ठीक है, इस स्टेज पे थे, हमारे पास ये रिमेनिंग एरे में 2 एलिमेंट थे 3 एंड 3, और हमारे पास यहाँ पर भी 2 एलिमेंट थे 4 एंड 2, ठीक है। हम सबसे बड़े वाले पीस को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 एंड 2, अगेन कोई भी पीस इससे मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ भी हटाना नहीं है, फर्दर हमें डिवाइड करने की कोशिश करना है। पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 पीस ऑलरेडी हैं, अगर हम इन 3 पीस को डिवाइड करेंगे तो ये फर्दर 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 से 4 हो जाएगा, और फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो बढ़ने ही वाला है, 3 से तो और बढ़ेगा ही, आप किसी भी तरीके से आप 2 केक को जोड़ तो नहीं रहे हो ना, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आप कर चुके हो, अगर वो नंबर ऑफ एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट जितना आपका बचा है एरे में उससे ज्यादा हो जा रहा है कभी भी, तो इसका मतलब कि आप इलीगल इनवैलिड पे पहुंच गए हो, वहां से आपको डिवीजन रोक देना चाहिए और डिक्लेयर कर देना चाहिए कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ कंप्लीट केक विद द गिवन एलिमेंट्स इन द केक, ठीक है। तो इस केस में आपको मना कर देना चाहिए, और फर्दर मतलब उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये एक ब्रेक करने का पॉइंट बन सकता है, और नहीं ब्रेक करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, शायद फर्दर टीएलई हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर मुझे ये कॉमन ऑब्जर्वेशन दिखा तो मैंने सोचा इसको शेयर कर दूं। एक इस वाले एग्जाम्पल को भी अपन देख लेते हैं, इसमें 6 एलिमेंट है और 6 के 6 1, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ द केक, अगर ये वैलिड है तो इनके सम के इक्वल होना चाहिए टोटल वेट ऑफ द केक, इसको अपन डिवाइड करते हो जाएगा 3 3, इसको अगेन 3 तो है नहीं, फर्दर डिवीजन का जरूरत है, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 1, अगेन इसका भी एक हो जाएगा 2, इसका भी एक हो जाएगा 1, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 1 पीस मिला केक का और एक अगेन 1 वेट का केक मिला, तो ये दोनों नलीफाई हो गए, हम लोग मान लिए कि यही दोनों पीसेस थे, ठीक है। फर्दर अपन इसको डिवाइड करते हैं 2 को, ये 2 फर्दर डिवाइड हो गया 1 1, ये 2 भी अगेन फर्दर डिवाइड हो गया 1 1, तो अगेन आप देख सकते हैं कि अब आपके पास 4 1 डिवाइडेड पीस है, और एरे में भी आपके पास 4 1 के डिवाइडेड पीसेस हैं, तो इसका मतलब कि हाँ, अगर आप इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप एडअप करो तो आप एक कंप्लीट केक बना सकते हो जिसका वेट होने वाला है 6। तो बस यही छोटा सा लॉजिक है और 2 छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन है, और अब इन्हीं सब को अपन करने वाले हैं इम्प्लीमेंट थ्रू कोड, ठीक है। तो हर किसी का अलग अलग तरीका हो सकता है, मैंने किस तरीके से किया मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एरे में इनपुट ले लिया सारे एलिमेंट्स को, विच इज द नंबर ऑफ केक्स, मतलब जो छोटे छोटे पीसेस हैं, अगर आपका नंबर ऑफ पीसेस ही 1 है, मतलब कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा पीस है तो वो तो एक्चुअल केक ही है, तो यहाँ पर इसे रिटर्न कर देना आपको यस। और फर्दर आपको क्या करना है, आपको सब जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं एरे के उन सब का आपको सम ले लेना है, ठीक है, सम ले लेना है, और सभी को मैं मैप में स्टोर कर दूंगा, जैसे कि 1 1 वाले एग्जांपल पे ही चलते हैं, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो फर्दर इसका पूरे के पूरे जो पीसेस हैं उनका सम क्या हो जाएगा वेट का 6, और सबको मैं मैप में पुश कर देता हूँ, जितने भी मुझे अलग अलग एलिमेंट मिल रहे हैं, अलग अलग वेट के केक मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मैप ऑफ 1 6, क्योंकि सभी 1 वेट के ही 6 केक है, तो अगेन मैप ऑफ 1 = 6 हो जाएगा।
और एक प्रायोरिटी क्यू मैं बना लेता हूँ, और प्रायोरिटी क्यू मैं पुश कर देता हूँ ये जो सम है ना, जो एक्चुअल सम ऑफ द केक्स है, अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को अपन फॉलो करें उसको पुश कर देते हैं अपन। और फर्दर अगर हमें कुछ ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कोई केक मिल जाएगा और वो रिक्वायर्ड एरे में भी होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग उसको कैंसिल आउट कर देंगे। और अगर फर्दर वो उस डिवीजन से जो केक मिल के आ रहा है वो इस एरे में नहीं है तो फर्दर उसको डिवीजन का जरूरत है। और कभी भी नंबर ऑफ डिवीजन, हमने नंबर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट इन द एरे से ज्यादा कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, अब फर्दर इट इज नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हमेशा टॉप एलिमेंट को निकालेंगे। प्रायोरिटी क्यू में आपको पता होगा कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है सबसे ऊपर आता है, यहाँ पर टॉप मोस्ट एलिमेंट को अपन निकालेंगे। टॉप मोस्ट एलिमेंट इसका 6 है, उसको निकाले अपन और इसको डिवाइड करेंगे, तो ये अगेन आप देख सकते हैं यही चीज़ है, 6/2 3, 6+1 7/2 अगेन 3, ठीक है 3 3। आप देखो क्या 3 है आपके एरे में, नहीं 3 नहीं है आपके एरे में, क्या अगेन 3 है, दोनों 3 है, तो 3 तो आपके एरे में है नहीं, तो आपको क्या करना होगा, आप प्रायोरिटी क्यू में इन दोनों 3 को पुश कर दो, ठीक है। अभी आपका प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो चुका है, आपके प्रायोरिटी क्यू में 6 था, अगेन आपने एम्प्टी कर दिया, अभी आपके प्रायोरिटी क्यू में 2 एलिमेंट है, 3 और 3, ठीक है, ये 2 एलिमेंट है आपके प्रायोरिटी क्यू में। अब अगेन आप आगे बढ़ो, 3 को डिवाइड करो, तो 3 को डिवाइड करोगे, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है प्रायोरिटी क्यू में उसको अपन निकाल के डिवाइड करेंगे, तो एक जाएगा 1, एक जाएगा 2। आप देख सकते हैं कि 1 जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन तो है आपके पास, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 का एक डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर इसको n को आपको डिक्रीज कर देना है क्योंकि एक आपको मिल चुका है उस टाइप का डिवीजन, ठीक है, और 1 को फर्दर आप डिवाइड नहीं करोगे, आपको दूसरा मिला है 2, ठीक है, अगेन आप 1 को वापस नहीं डालोगे क्योंकि 1 तो एक सेटिस्फाई कर गया, फर्दर आप 2 को पुश कर दोगे, तो आपका प्रायोरिटी क्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, 3 और 2। फिर अगेन अपन टॉप मोस्ट एलिमेंट को निकालेंगे, टॉप मोस्ट एलिमेंट इसका क्या है, 1 और 2, सॉरी वो टॉप मोस्ट एलिमेंट है आपका 3, और उसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा, डिवाइड होके 1 और 2, ठीक है। अब अगेन आप देखो 1 तो है, 1 साइज का पीस तो आपके पास है, तो इसका आप काउंट घटा दो यहाँ पर, और क्योंकि आपने एक एलिमेंट मिल गया अगेन, तो यहाँ पर n माइनस माइनस आपको कर देना है, ठीक है, यहाँ पर अगेन फर्दर आप जो ये इस्तेमाल हो गया उसको तो छोड़ दो, और जो नहीं इस्तेमाल हुआ उसको आप वापस से अपने काइंड ऑफ प्रायोरिटी क्यू में डाल दो कि वो फर्दर डिवाइड होके अगर आना चाहे तो, ठीक है, तो अभी टॉप में 2 ही है, उसको अपन डिवाइड करते चलेंगे, 1 1 हुआ, ठीक है, तो अगेन आप देख सकते हो कि दोनों ही 1 यहाँ पर से इस्तेमाल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2, अगेन प्रायोरिटी क्यू में कुछ भी नहीं जाएगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट हट चुका है, अगेन जो रिमेनिंग टॉप है उसको अपन निकालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिवाइड होके अगेन 1 1 होगा, और ये दोनों अगेन आपके पास पीस रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर से 0 हो जाएगा, और यहाँ पर पी क्यू का जो साइज है वो भी 0, और एन जो है वो भी 0, तो ये वाला कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, यहाँ से आप ब्रेक कर जाओगे। और अगर आपका प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप वो फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो एरे आपको दिया था, उस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं कर पाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हुआ तो इसका मतलब कि पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो गया है, ठीक है, इसका मतलब कि आपने सभी एलिमेंट को डिवाइड कर करके एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग टू एरे आपने असाइन कर दिया है, ठीक है, तो उस केस में आपको यस रिटर्न कर देना है, बस दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उधर पे आके अच्छा डाउट पूछ सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।